एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, फ्रॉम द लास्ट टू वीक्स आई वाज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियो। द रीज़न वाज कि हम अपनी ट्रिप पर गए हुए थे। ये डीआईवाई मैंने बना तो लिए थे, लेकिन मैं वीडियोस को एडिट नहीं कर पाई। तो आते ही मैंने इस वीडियो को एडिट किया और आप सबके लिए मैं लेकर आई हूँ बिगनर फ्रेंडली पेंटिंग आइडिया। अगर आपको पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, स्टिल यू कैन ट्राई दीज काइंड ऑफ पेंटिंग्स। और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना है। आपको कोई कैनवास परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इन्हें पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनके लिए ये डिस्पोजेबल काइंड ऑफ प्लेट्स यूज़ की हैं। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गाइज, इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ डिस्पोजेबल प्लेट्स। अगर आपके यहाँ कोई पार्टी वगैरह है तो इस टाइप की प्लेट्स आपके पास बची रहती हैं, उनका आप यहाँ पे रीयूज़ कर सकते हैं एज द पेंटिंग। अगर आप बिगनर हैं और कैनवास परचेज नहीं करना चाहते हैं, सो गाइज आई विल एडवाइस यू टू यूज़ दीज काइंड ऑफ प्लेट्स एज योर कैनवास। आपको सिंपल सिंपल ड्राइंग्स इस पर बनानी हैं और आप उनको अपने मनपसंद कलर्स से कलर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर्स का यूज़ करूँगी। आपको इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ पिंटरेस्ट पर मिल जाएंगे। अपनी पसंद के हिसाब से आप इन पेंटिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। पिंटरेस्ट पे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। मैंने इनके पैटर्न को बहुत ही सिंपल रखा है। एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू मेक दीज प्लेट्स पेंटिंग फॉर माय डॉटर्स रूम। सो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर थीम सिलेक्ट की है और कलर्स को मैंने थोड़ा न्यूट्रल या आप कह सकते हैं बोहो लुक दिया है। अगर आप ड्राइंग करने में कम्फर्टेबल नहीं है, वैसे तो ये बहुत ईजी ड्राइंग है, अगर नहीं है तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसको कॉपी या ट्रेस कर सकते हैं। मैंने तीन या चार डिज़ाइन बनाई हैं इस तरह की प्लेट्स में। आपको जो भी ईजी लगे उस तरह का पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। फ्लोरल काइंड ऑफ पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं, विच वुड बी क्वाइट ईजी फॉर द बिगिनर्स। मैंने यहाँ पे कोई भी फीचर्स नहीं बनाए हैं, जिससे कि यह ड्राइंग बहुत ही ईजी होने वाली है। सो गाइज, आपको ये पेंटिंग कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और विद इन मिनट्स यू विल प्रिपेयर दीज काइंड ऑफ पेंटिंग्स। मैंने सभी प्लेट्स में बोहो कलर का यूज़ किया है। आप देखेंगे बेस कलर, ब्राउन कलर, इस तरह के कलर्स का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और आप एक बात का ध्यान रखना, मैंने कहीं पर भी यहाँ पे मैंने इन प्लेट्स पर कोई भी बेस कोट नहीं किया है। मैं डायरेक्टली इन पर ड्रॉ करके कलर कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी वाइट कलर में थी तो मुझे ऐसा कोई बेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कोई मार्क भी इन पे नहीं लगा हुआ था, लाइक कंपनी का मार्क वगैरह जो विजिबल हो रहा हो। सो आई डायरेक्टली स्टार्टेड माय पेंटिंग्स। सो गाइस, आई एम जस्ट एंजॉयिंग द होल प्रोसेस। इन पेंटिंग्स को बनाना बहुत ही आसान है और मैंने विद इन हाफ एन आवर इन पेंटिंग्स को बना लिया था। पहले मैंने सभी पेंटिंग्स के लिए बेस प्रिपेयर कर दिया एंड देन जब ये ड्राई हो गए देन आई पेंटेड द रेस्ट ऑफ द पेंटिंग। मैंने यहाँ पे टू कलर्स को यूज़ किया है, क्योंकि ब्रश के स्ट्रोक्स दिख रहे थे तो उन कलर्स को ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे ये छोटा सा स्पॉन्ज पीस यूज़ कर रही हूँ। ये भी हैंडमेड है। मेरे पास एक फोम का पीस पड़ा हुआ था, उसमें मैंने होल्ड करके बैम्बू स्टिक को पेस्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ हॉट ग्लू। और इस तरह से मैंने ये डैबर बनाया है घर पर ही। आप भी इस तरह का बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली स्पॉन्ज पीस से ही कलर को ब्लेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेट के लिए मैं यहाँ पर लाइट पिंक कलर का बेस यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने रेड में वाइट कलर मिक्स करके इस तरह का कलर क्रिएट किया है, क्योंकि ब्रश के स्ट्रोक्स दिख रहे थे तो देखिए ब्लेंड करने के बाद कितना स्मूथ कलर आ रहा है। ये तो पेंटिंग और भी इजी है। इसके लिए मैंने बेस पर कुछ ऐसे रैंडम पैटर्न्स बना दिए हैं और उनको फिल कर दिया है। और उसके बाद आप ब्लैक मार्कर से या फिर ब्लैक एक्रेलिक कलर से ब्रश की हेल्प से इन लीव्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हैं। अभी मैं इनको ड्राई होने दूँगी, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं सभी प्लेट्स का बेस पहले प्रिपेयर कर रही हूँ। जैसे जैसे हम एक प्लेट को रेडी करते जाएंगे, हमारी पहली वाली प्लेट ड्राई होती जाएगी। अब मैं यहाँ पर सेकंड प्लेट को कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे ये बेस बनाए हैं। सो गाइस, दीज पेंटिंग्स आर टोटली इंस्पायर्ड बाय पिंटरेस्ट। मैंने वहीं से इनको देखा और वहीं से मैंने इनके पैटर्न्स लिए हैं, विच वॉज क्वाइट ईजी टू ड्रॉ। कई बार मेरे फॉलोअर्स हैं जो कहते हैं कि ये तो पेंटिंग्स आप तो ड्रॉ कर लेते हो बिकॉज यू आर एक्सपर्ट, बट ऐसा नहीं है। जब आप ड्रॉ करोगे ना तो इन पेंटिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं ये सैप ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ
यहाँ पर मैं सभी ही कलर्स एक्रेलिक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर पोस्टर कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेंटिंग। हमारी बैकग्राउंड ड्राई हो चुकी थी, अब मैं इसके ऊपर ये राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ। इसको मैंने ब्राउन कलर से फिल कर दिया है। अब इसको सूख जाने देते हैं, तब तक हम दूसरी प्लेट पर ड्राइंग बनाते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो ब्लैक परमानेंट मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर का ही यूज़ किया है। इस तरह से इजी पेंटिंग्स बनाकर आप अपने घर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रैंडम लीव्स के पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। पहले मैंने इन्हें पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था, आप चाहें तो डायरेक्टली ब्रश से भी आप बना सकते हैं इनको। इस तरह की बोहो काइंड ऑफ पेंटिंग बनाना बहुत ही आसान होता है। आप जस्ट रैंडम पैटर्न्स बैकग्राउंड में ड्रॉ करिए और इस तरह के लीव्स के पैटर्न उसके ऊपर से आप ब्लैक कलर से बना दीजिए। तो हमारी पेंटिंग्स तैयार हैं। अगर आपके पास डिफरेंट साइज़ ऑफ प्लेट्स हैं तो आप उनका यूज़ करिएगा। मेरे पास एक ही साइज़ की प्लेट्स थी। अगर आप डिफरेंट साइज़ की प्लेट्स का यूज़ करेंगे देन द ग्रुप ऑफ दीज पेंटिंग्स विल लुक अमेजिंग। तो अगेन हम उसी पेंटिंग को ले लेते हैं, ये ड्राई हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दीज लीव्स पैटर्न्स विद द हेल्प ऑफ ब्रश। यहाँ पर मैं डिटेलिंग के लिए 0 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और सो गाइस, आई एम जस्ट एंजॉयिंग द होल प्रोसेस। मुझे ये ड्रॉ करने में बहुत ही मज़ा आया, आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा। सो गाइस, इसी के साथ रेडी हो जाती है हमारी सारी पेंटिंग्स। ये बहुत ही लाइट वेट हैं, सो मैंने डबल साइडेड टेप की हेल्प से इनको वॉल पर पेस्ट कर दिया है। ये जो एक्स्ट्रा पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक अल्फाबेट रखा हुआ था MDF बोर्ड का, इसको मैंने एक ब्लैंक प्लेट पे पेस्ट कर दिया है और थोड़ी सी हल्की सी ड्राइंग्स बना दी हैं। सो गाइज, आपको ये DIY कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी ऐसा कुछ ट्राई करते हैं तो इसे शेयर करना मत भूलना ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो गाइज, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद मोर अमेजिंग क्राफ्टी एंड आइडियाज़। टिल देन टेक बेटर केयर ऑफ योर हेल्थ, बी क्राफ्टी, कीप इंस्पायरिंग एंड बाय बाय।